शहीद बाबा दीप सिंह जी की याद विच बनवाया गया है। यह स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर साहब तो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान से संगत के सहूलत वास्ते कमरे और गुरु का लंगर 24 घंटे अटुट चलता रहता है। इस स्थान की सेवा सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा सीसा सिंह जी ने करवाई ते हुण सेवा करवा रहे ने संत महापुरश श्रीमान संत बाबा नरेंद्र सिंह जी और श्रीमान संत बाबा बलविंदर सिंह जी। संत महापुरशा ने संत के भले का सेवा की टोकरी रखी है और सेवा लाई है सीमेंट की गोरी पखे की। जिस भी साध संगत ने सेवा करनी होवे साडे कोलों सरोपा ते प्रसाद लैके जाओ जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु घर के दरबार की सेवा, गुरु घर के लंगर की सेवा, गुरु घर के इमारतों की सेवा बड़े ही करमा भागा नाल मिलती है। इस करके सेवा का लाभा लेंदे हुए अपने दसां गुणा के किरत कमाई के हिस्से गुरु घर के लंगर पा के गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो जी। हुण थले गुरु का लंगर चल रहा है, सब संगतां ने छक के जाना। धन्नवाद जी आया नूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। गोबिंद सिंह जी धन धन तेरी कुर्बानी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन तेरी कुर्बानी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन तेरी कुर्बानी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन तेरी कुर्बानी। बिच दुनिया सारी दे नहीं दाता कोई सानी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी धन धन तेरी कुर्बानी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी। इतिहास है वो बाबा जी आप जी सारी संगत नूं सरवण कराउणगे। आओ प्यार वाला बाबा जी पासों प्यार सरवण करिए। सत गुरु प्यारे साध संगत जी, जिस स्थान ते आप हाजरी रखो ना भाई गल का जे किसी ने मेरे को नहीं आना ये काले भी ना पाओ इन्ना खर्चा कर रहे आप जी ते फिर देखो ताड़ी मेहनत की कदर पर असं तो यही चाहते हैं। तो बेनती है 100 सेवा हलो गुरु प्यारी साध संगत जी बाद जिन्हें मर्जी पाता मैं 10,000 पा दौ पर तो सरोपे चके सिंह साहब जी जमा करो। साध संगत जी जिस स्थान की आप हाजरी संगत भर रही ने बड़े भागा वाले हो जो इस स्थान से जुड़ के बैठे हो तो संत रतन दास जी जेडे कि इस स्थान सिमरन करते जिसे तुम बैठे हो गुरु पातशाह ने इस स्थान आन के रतन दास जी
समेत भोले बाज संत ही दर्शन दिते। दो मिनट बाद लो रतन दास जी नू समेत भोले बाज दर्शन दिते प्रसाद दिता। गुरु पातशाह ने कहा रतन दास जी आप प्रसाद ले लो, शहर दिखे संगत जड़िया बैठिया गुरु के विछोड़े दास ने संगत दसना करो कि गुरु जी कितने नहीं गए सदा अंग संग ने। रतन दास जी के नाते इस गुरुद्वारे रतनगढ़ शहर रखा गया। इन्हों तो बाद धन धन बाबा निधान सिंह जी जिन्हें कमाइया सदक को आप लेके भी आए महापुरख यात्रा भी करा रहे स्टेशन तो भी लेके जाते लेके आते हैं ते सारिया बाबा निधान सिंह की कमाइया महापुरखा वड्डिया दी आईयां ने। उन्हां महापुरखा नू रेलवे स्टेशन ते गुरु पातशाह ने दर्शन दिते ते लंगर चलाउण दे बाद खींचा मेरा तेरा बख्शिया। इत्थे बस नहीं गुरु पातशाह ने कहा नगीना घाट दे लगे पुरातन लंगर स्थान है उत्ते चल के लंगर चलाओ, लंगर विच के गल दी टोट नहीं आवेगी। महापुरख बाबा निधान सिंह जी ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉੱਧਰ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ 216 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਤੀ। ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਕਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। महापुरखा ने सेवा लाई है पखे ते सीमेंट दी। एक बार फिर सुनना कर सारे ध्यान दो माता गल चुप कर दो। पहला दर्शन रतन दास जी नूं दित्ते जिस महापुरख के नाते इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा रतनगढ़ साहब रखा गया। बाबा निधान सिंह नूं दर्शन दित्ते रेलवे स्टेशन से खीसा मेरा तेरा लंगर चलाउण दे बल बच्चे। सरदार नरेंद्र सिंह ने सारी जमीन 216 एकड़ गोदरन पे टाका दी। संगत जी बड़ी खुशी दी गल है इस स्थान ते नवे दरबार दी की सेवा चल रही है। महापुरखा ने संगता दे भले वास्ते कार सेवा दी टोकरी रखी है। बाद चल के सिर पा के यात्रा कमाईया सदके करो गुरु के लंगर चल रहे हैं। शाके जरा